अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो भाई दोपहर के बज रहे हैं 12 और मुझे मैसेज आया मेरी स्कूल की तरफ से कि जो आपका आईटी कोर्स चल रहा था तो उसका टेस्ट है और अगर आपने टेस्ट पास कर दिया तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। तो अभी मैं जा रहा हूँ अपनी स्कूल में टेस्ट देने और बस दुआ करें कि पास हो जाऊँ तो सर्टिफिकेट मिल जाए मुझे। और भाई ये स्कूल से फारिग होने के बाद मेरे को जाना है मैकेनिक के पास और मैकेनिक ने मेरे को बुलाया भी। अब जाके देखता हूँ कि कहाँ तक काम इसने स्टार्ट करा है। ठीक है, और मेरे सिस्टम वादा तो कर रहा था कि अफ्तार से पहले दे दूंगा, लेकिन अभी जाके देखता हूँ कि क्या सीन है। ठीक है, तो मैं अभी स्कूल में जा रहा हूँ और मैं आऊँगा 1 बजे फारिग और 1 बजे है आयन को लेने का टाइम इसकी स्कूल से। उसकी स्कूल अभी ऑन है और मंडे से इसकी छुट्टियाँ पड़ने वाली है, मतलब ऑफ हो जाएगा इसका और ईद के बाद खुलेगा। तो अभी आप चले हमारे साथ मेरी स्कूल में। तो भाई अभी मेरे को बैड न्यूज़ सुनने को मिली, जो हमारा बिल्डिंग का समर पम्प है वो ख़राब हो चुका है। और भाई अभी है ना मीठा पानी भी आता है, एक दिन छोड़ के एक दिन आता है। तो अभी और इसको बनने में कम से कम 4-5 दिन लग जाएंगे और 10,000 रुपये का खर्चा है। तो भाई अभी दुआ करो कि जल्दी बन जाए क्योंकि रमज़ान चल रहे हैं तो फिर पानी की जरूरत आपको पता है बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो बस दुआ करो कि जल्दी बन जाए। तो अभी चल रहा हूँ मैं मेरी स्कूल। तो भाई अभी मैं आ चुका हूँ क्लासरूम में। ठीक है, और हमारे सर ही अभी तक नहीं है माशाल्लाह। 12 बजे का टाइम देने के बाद खुद ही 1 बजे आएंगे तो क्या फायदा। और देखें भाई रमज़ान की वजह से पूरी क्लास खाली है। तो अभी वेट करते हैं, वेट करने के अलावा और क्या कर सकते हैं। तो भाई अभी ये आईटी कोर्स से फारिग हो चुके हैं और अभी मैं जा रहा हूँ घर पे। सोया नहीं था पूरी रात, पूरा दिन सोया नहीं हूँ, तो अभी घर पर जाके सोऊँ। यस ब्रो, यस यस। और आज लास्ट डे था और सर्टिफिकेट तो दिया ही नहीं, बोला आपको बाद में बताएंगे कब देने, तो उस दिन हम आ जाएंगे। अभी तो मैं जा रहा हूँ सोने के। तो भाई अभी स्कूल से आके देखो मैं फौरन लेट चुका हूँ। ठीक है, और अभी आए नए हैं स्कूल से, आज भी मेरे बराबर में लेटा हुआ है और अभी मैं सो रहा हूँ। और उठ के मैं मदरसा जाऊँगा, वो भी मैं आपको दिखाऊँगा, रफ्तारी भी दिखाऊँगा। रफ्तारी के बाद फिर बाइक भी लेने जानी है। ठीक है, तो वहाँ पे भी आपको दिखाऊँगा मेरी बाइक कितनी रेडी हुई है और बाइक के मैं शॉर्ट्स डालूँगा वो देखना नहीं देखना। ठीक है, अभी तो मैं सो रहा हूँ, मिलता हूँ आपको थोड़ी देर बाद। तो भाई सो के खड़ा हो चुका हूँ और आवाज़ देख सकते हैं थोड़ी बैठी हुई है। ठीक है, तो ये पता नहीं क्या है मेरी में आवाज़ का ये मसला है, बैठ गई है आवाज़ थोड़ा, गले में भी दर्द हो रहा है और आयन का भी सेम यही कंडीशन है। तो अभी आप बताएं कि ये कोई वायरस चल रहा है या क्या है, अल्लाह को पता है। क्योंकि ये हम दोनों भाई को हुआ है और इससे पहले मेरे अब्बू को ये हो चुका है। सही है, और अभी मैं सो के हो चुका हूँ और अब मैं पढ़ा हूँ असर की नमाज़। तो भाई अभी नमाज़ पढ़ के मैं खड़ा हो चुका हूँ और मैं अभी मदरसे जा रहा हूँ। और भाई मैंने आपको जो सुबह बताया था कि हमारे सोलर पंप का जो मसला हुआ है वो अभी आया है काम करने के लिए, तो मैं दिखा दूँ क्या काम चल रहा है। तो भाई अभी बोरिंग वाली जगह को दोबारा खोद के इसके अंदर से मोटर निकाली है और मोटर में थोड़ी ढीली हो गई जिसकी वजह से वो पानी पम्प नहीं कर पा रही है। और देखिए पूरी गली में ये पाइप फैला हुआ है। ये देखा भाई अभी गाड़ी का काम अभी तक स्टार्ट है और रफ्तारी से पहले मैंने वहाँ का बोला था और रफ्तारी से पहले है वहाँ तक काम उसका स्टार्ट है। और अभी तारीख हो गया शॉर्ट पूरा पाया था और अभी ये देखा उसका हैंडल निकाल दिया पूरा। माशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से मोटर बिल्कुल ओके हो गई है, पानी अब स्टार्ट। तो भाई समर पंप का काम हो गया है और ये खुशी की बात है और ये दुख की बात है कि पैसे काफ़ी सारी टाइम होने वाले हैं, आधा घंटा बाकी अभी घर से चलता हूँ और दिखाता हूँ कि हमने क्या क्या रफ्तारी की तैयारी कर रही है। देखे भाई अम्मी ने आज रोल बनाए हैं और ये है चाइनीज़ रोल और एक स्पेशल डिश बनाई है जो मेरी बहन की फेवरेट है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखे भाई ये है लदानिया
आज मम्मी ने लरानिया बनाया है हमें बहन के घर पे, और मेरी बहन की वजह से मेरे को अच्छा अच्छा खाने को मिलता है। मैं तो बोलता हूँ तो मेरे को बोलते हैं निकल नहीं सकते, मेरी बहन की वजह से मेरे को ये खाने की। तो भाई अभी अफ्तार करके खड़ा हो चुका हूँ मैं, और अभी पढ़नी है मुझे मगरिब की नमाज। और माशाल्लाह समर पम्प का काम कम्प्लीट हो गया है, समर पम्प बिल्कुल ओके हो गया है, बन गया है, अल्लाह का शुक्र है। और अभी मैं पढ़ता हूँ नमाज। और भाई अभी मैं मगरिब पढ़ के फारिग हुआ हूँ और इशा के लिए जा रहा हूँ, टाइम नज़र नहीं आया। अभी जब मैं अफ्तारी करके खड़ा हुआ, मैंने मगरिब पढ़ी, मगरिब पढ़ने के बाद यार इशा का टाइम हो गया, अब इशा पढ़ने के बाद तरावी, तरावी के बाद ही फारिग होगा मैं, तभी जा रहा हूँ मैं इशा पढ़ने, इशा के बाद तरावी, फिर उसके बाद मैकेनिक के पास जाएंगे और देखेंगे क्या होगा अभी का। तो चले हमारे साथ इशा पढ़ने। और अभी घर पे जा रहा हूँ, थोड़ी देर रेस्ट करूँगा, फिर उसके बाद मैकेनिक के पास जाऊँगा, बाइक की क्या कंडीशन है आज तक इसका काम हुआ। ठीक है, तो अभी घर पे जा रहा हूँ, थोड़ी देर देखूँगा फिर उसके बाद मैकेनिक के पास। वही अभी मैं जा रहा हूँ मैकेनिक के पास, और अभी देखता हूँ कि काम से काम स्टार्ट है। ठीक है, और तबीयत यार बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि अजीब अजीब सी फीलिंग आ रही है। मैं रात को दिन को नहीं सोया, मैं खाली दोपहर की मेरी 2 घंटे की नींद हुई है, ये स्कूल में कोर्स की वजह से, आईटी कोर्स के लिए भी जाता और मेरे को सर्टिफिकेट भी नहीं मिला। चलो अभी जाते हैं मैकेनिक के पास, देखते हैं क्या काम हुआ है क्या नहीं हुआ। अभी बाइक का काम हो चुका है लेकिन थोड़ा बहुत बाकी है, बाकी पूरी बाइक सही है, थोड़ा बहुत काम बाकी, जो उस्ताद बोल रहे हैं कि मैं आपको इंशाल्लाह कल सुबह दे दूँगा। ठीक है, इंशाल्लाह कल सुबह मिल जाएगी मेरे को गाड़ी और फिर हम मंगाएंगे इसको। तो भाई अभी बाहर से हम आ चुके हैं एयरपोर्ट में, और अभी मेरे को फुल नींद आ रही है क्योंकि मैं सोया नहीं था कंप्यूटर क्लास की वजह से। तो अभी आज के लिए बस इतना ही, मिलता है।